हर टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा बाईपास श्रीन विला इमारत के पास जो टीएमसी का गार्डन है, यहाँ पर एक व्यक्ति जो है इस पर भरनी करके इस गार्डन की जमीन को कब्जा कर रहा है। लेकिन आज खुद गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आभाट यहाँ पर पहुँचे और इस टीएमसी गार्डन का जायजा लिया। इस दौरान मंत्री ने कहा है कि इस गार्डन पर कोई भी कब्जा नहीं कर पाएगा, यहाँ पर दोबारा फिर से गार्डन बनाया जाए। आपको बता दें कि ओवैस शेख नाम के एक शख्स इस गार्डन के संबंध में हर जगह शिकायत कर रहा है और मंत्री जितेंद्र आभाट से भी मेल के जरिए इसने शिकायत की थी, जिसके बाद गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आभाट ने खुद इस श्रीनविला इमारत के पास जो टीएमसी का गार्डन है यहाँ का दौरा किया, जायजा लिया और खुद कहा कि इस गार्डन की ज़मीन पर कोई भी कब्जा नहीं कर पाएगा, किसी भी तरह का यहाँ निर्माण नहीं होने देंगे और यहाँ पर फिर से गार्डन बनाया जाएगा। और सर, इस गार्डन की जो जगह है इस पे एक सलीम मंसूरी नाम का व्यक्ति कब्जा करके जहाँ तक कर रहा मुझे है। मालूम है ये शासन की खदान की जमीन थी, इस पे कोई कब्जा नहीं हो सकता है, कोई कोर्ट की ऑर्डर नहीं है, अगर है तो भी हम खारिज कर लेंगे, यहाँ पे बिल्डिंग बनने नहीं दूंगा यानी नहीं दूंगा। शुक्रिया, बहुत हो गया ये कब्जा लेने का जो काम है ये मुमरा में सरेआम हो रहा है, अब उसको रोकना पड़ेगा। अभी जो रास्ते करने हैं वो हो गया, पानी की दिक्कतें सॉल्व हो गई है, लाइट आ गई है, अब मैं आज जो रास्ता देखने गया था ऐरोली का वो रास्ता बन गया, अब ये ब्रिज बन जाएगा तो ट्रैफिक की सहूलियत सबको आसान होगी। मित्तल का रास्ता बन गया, मित्तल को मित्तल से अभी इधर वाई जंक्शन से तुम अंदर जाओ नादुल फला की तरफ से अंदर जाओ तो तुमको स्ट्रेट स्टेशन की तरफ लेके जाएगा। सर अब ऐसी जो गार्डन है, ऐसी जो खुली जगह है, इसके ऊपर हम कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें खड़ी करेंगे, खास करके ये जो अगर है और इतने पेड़ है ये भी हम लोग नहीं लगाए ले। तो ये पेड़ का एक अच्छा गार्डन बनेगा, जो भी आदमी है उसको एक आमदार के नाते में बता देने चाहता हूँ कि वो कुछ नहीं कर पाएगा और मैं करने भी नहीं। आपने गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आभाट को एक लेटर दिया है, क्या लेटर में मांग की है आपने? आज आप लोग ने यहाँ पर इस बिल्डिंग श्रीन विला और आसपास की बिल्डिंगों की कंप्लेंट थी कि यहाँ पर जो है वो गार्डन था और कोई उसके ऊपर कब्जा कर यहाँ पर इलीगल कंस्ट्रक्शन करेगा, तो मैंने उन लोगों से वादा किया था, आश्वासन दिया कि अगर कायदे के अनुसार वो नहीं हो सकता है तो जिंदगी में हम यहाँ पर बिल्डिंग बनाने नहीं देंगे। यही उत्तर और इसी तरीके का ही जवाब कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र आभाट साहब ने आपके चैनल के माध्यम से उनको दे दिया है कि यहाँ पर कुछ भी होने हम देंगे नहीं, गार्डन था हम गार्डन ही बनाएंगे। आपसे गार्डन को लेकर मंत्री जी से मेल के जरिए भी संपर्क साधा था, डॉक्यूमेंट तमाम भेजे थे, अभी उन्होंने विजिट किया है और उन्होंने साफ तौर पर मीडिया में कहा है कि हम यहाँ पर कुछ बनने नहीं देंगे, लेकिन आपसे भी कुछ बातचीत हुई है, क्या बोलेगा? जी मैं कंटिन्यूस उनको परेशान करता हूँ और मैं अभी सार मैडम को भी परेशान करूंगा और यूनुस सर को भी परेशान करना पड़ेगा, उन्होंने बहुत इसको एक्सपेडाइट एक लेवल पे लेके आया और बहुत यूथ है और मैं चाहता हूँ कि ऐसा लोग काम करते रहे, बहुत इन्होंने इसको इशू को लिया है और आगे इन्होंने आभाट सर को भी कन्वे किया है और आभाट सर ने भी इसको लिया और उनके वर्ड पे मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि वो बोल रहे हैं कि बनेगा तो हम लोग एटलीस्ट चैन की नींद सो सकते हैं अभी।